हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में काइंड्स ऑफ फंक्शन, इट मींस इन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन पर डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब दो फंक्शन को कंबाइंड करना सीखेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब है फलनों का संयोजन। डिफिनेशन है, लेट फंक्शन ए एफ सच दैट ए टू बी एंड फंक्शन जी सच दैट बी टू सी, बी टू फंक्शंस, देन ए फंक्शन जी ऑफ एफ सच दैट ए टू सी डिफाइंड बाय जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जी ओ एफ, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्स है ए सेट में, बी एफ एक्स और जी है सी वाला जी एफ एफ एक्स है, इसमें एक्स है, फंक्शन एफ है, तो यहाँ एफ एक्स हो गया और यहाँ जी है बी टू सी, तो यहाँ जी एफ एफ एक्स हो गया। तो वन स्टेप में यहाँ एफ एक्स हुआ और यहाँ से जी एफ एफ एक्स हो गया, ओवरऑल हमको जी एफ ए एफ, इट मीन जी एफ एफ एक्स मिला। तो कहने का मतलब हुआ कि सपोज कर लो कोई मशीन है, दो मशीन है, इफ वी हैव टू मशीन्स एफ एंड जी, मशीन एफ में हम कुछ एक्स वेरिएबल एंट्री करते हैं तो वहां से आउटपुट हमको एफ एक्स मिलेगा, और वो एफ एक्स मशीन जी में एंट्री करेंगे तो हमको जी एफ एफ एक्स मिलेगा। इस तरह से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर इफ फंक्शन आर सच दैट आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी सच दैट आर टू आर जी ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, देन फाइंड द एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ आल्सो सो दैट एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। सॉल्यूशन क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और जी ऑफ एक्स कितना है, टू एक्स प्लस वन, देन जी ऑफ एफ एक्स जो होगा को फाइंड करना है। तो जी ऑफ एफ एक्स, देखो जब जी एक्स है तो टू एक्स प्लस वन है, ठीक। अब जी ऑफ एफ एक्स है, इट मीन्स एक्स के प्लेस पे कितना है, एफ एक्स है, तो एफ एक्स है कितना, एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर। तो जहां पर एक्स होगा यहां पर, वहां एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो टू इंटू एक्स था तो एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो जी ऑफ एफ एक्स आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एफ ऑफ जी फाइंड करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, इट मीन्स एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, टू एक्स प्लस वन, जी एक्स कितना दिया गया है, टू एक्स प्लस वन, तो एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स के प्लेस की वैल्यू है टू एक्स प्लस वन, हमने रख दिया। अब यहाँ देखो एफ एक्स, जब यहाँ एफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ टू एक्स प्लस वन है, इट मीन्स एक्स था तो एक्स स्क्वायर, अब टू एक्स प्लस वन है तो टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कर देंगे, टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कर दिए, इसको ए प्लस बी के फार्मूले से एक्सपेंड कर दिया गया तो आ गया फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर एक्स, तो एफ ऑफ जी की वैल्यू आ गई फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर एक्स, और जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हो गई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, दैट इज नॉट इक्वल, हेंस प्रूव्ड एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ,
क्लियर हो गया? ओके,